जैसे कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज महिला कांग्रेस का फॉर्मेशन डे है। मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं महिला कांग्रेस का एक हिस्सा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि अंडमान में भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। कई सालों से हमारी बहनें महिला कांग्रेस के लिए काम करती हैं और महिला कांग्रेस का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए हर चीज एक चैलेंज होता है क्योंकि घर के साथ साथ पार्टी की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी को निभाती हमारी बहनें और पार्टी में भी अपना दमखम रखती है। मैं राजीव जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा और महिलाओं ने जैसे घर में अपना काम करती है उसी तरह अपना वर्चस्व, अपना एक पहचान कांग्रेस पार्टी में बनाया। इसका श्रेय मैं राजीव जी को देना चाहूंगी क्योंकि राजीव जी ने हमारी बहनों का पीड़ा को समझ के महिलाओं की जो भूमिका है, जो भागीदारी है, कांग्रेस पार्टी में भी दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में 33% जो महिलाओं की हिस्सेदारी को दिया, जिससे हमारी जो बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं, गांव से, सड़कों से बाहर आकर आज एक अपना मुकाम, अपना एक पहचान बना चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूं उन बहनों को जो आज के इस दौर में, जहां एक तरफ धर्म और संप्रदाय का जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, उसमें हमारी बहनें अपना पूरा दमखम लगा रही है। देखिए, आज देश देख रहा है कि किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसने हमेशा धर्म संप्रदाय सबको एक तरफ रखकर, सबको एक माला की तरफ पिरोकर आज अपना काम कर रही है। मैं अलका जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और कि आप अपने इलाके में बढ़ चढ़कर काम करो, आप महिला है, बिल्कुल डरना नहीं है। मैं जब दिल्ली गई थी उन्होंने मुझसे यही कहा, जुबेदा तुम्हें डरना नहीं है, चाहे लाख चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुमको अपना काम करना है। तो मैं अपनी बहनों से भी यही कहना चाहूंगी कि हमें डरना नहीं है। जो इंसान डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए हमें हिम्मत और जज्बे के साथ काम करना है और महिला कांग्रेस को मजबूत करना है। और मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब पार्टी का साथ देंगे, महिला कांग्रेस का साथ देंगे। आज हमारा सदस्यता अभियान का शुरुआत है, हमने आज शुरुआत कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज्यादा महिलाएं आए, पार्टी का छत्र छाया में काम करें, महिला कांग्रेस की छत्र छाया में काम करें। आने वाला समय में मैं यही समझती हूँ और मैं ही आप लोग से कहना चाहती हूँ, आज जो देश को तोड़ने का जो साजिश जो रच रहा है बीजेपी पार्टी, इसको हमको मुंह तोड़ जवाब देना है और इसका जवाब हम महिला कांग्रेस की बहनें उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और आने वाला समय में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को दमखम पर लाकर हम खड़ा करेंगे। ये हमारा प्रण है, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज हमारे 40 साल पूरा हो चुका है महिला कांग्रेस का अस्तित्व के लिए। और जो राजीव जी का सपना और हम इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत रत्न, उन्होंने जो सपना देखा था महिला कांग्रेस विंग को उन्होंने बनाया, और साथ में हम लोगों को ये आज जितने भी महिलाएं सब हर मुकाम में पहुंचती हैं, तो महिलाओं को अधिकार मिलने से, उनको समाज में इक्वल राइट से मिलने के वजह से हम सब महिलाएं बाहर आ रही है। और जो हमारे नेतृत्व करे श्री राहुल गांधी जी, उनका नेतृत्व में जैसा हमारे उनका है कि डरना नहीं है, हमें लड़ना है आगे, तो ये बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को बहुत ज्यादा हिम्मत देती है और जो हम लोगों को जोड़ के रखती है। और साथ में हमारी मैडम अलका लंबा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है हमारी, और उनके नेतृत्व में भी महिला कांग्रेस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अंडमान निकोबार में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो आज वेबसाइट और मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च हो रहा है उसका अभिन्न भंग हम लोग उसका जो है सब मिलकर जो है इसका अच्छे से जो है मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, इसका एक भागीदारी में लेंगे और साथ में महिला कांग्रेस को हम मजबूत, और अंडमान निकोबार स्पेशली जो है हमारे आइलैंड होने के बावजूद भी हम सबको जो है महिला कांग्रेस से जुड़ने का, और साथ में जो भी अधिकार है, जो हक है, जो लड़ाई है, जो न्याय मिलना है, उसके लिए हम इसी तरह जो है आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। हर एक जगह जो है लेडीज का एक बहुत मजबूती का होना बहुत जरूरी है। अगर महिला कहीं मजबूत होती है तो उसका घर मजबूत होता है, उसका अड़ोस पड़ोस मजबूत होता है, उसका गांव मजबूत होता है। और आज 50% महिलाएं जो है
वो कांग्रेस के साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर एक को अपने इसको मेंबरशिप ड्राइव जो हो रहा है अभी महिला कांग्रेस का, उसके साथ अगर वो जुड़ जाएंगी तो उनके अंदर एक और मजबूती आ जाएगा कि हम महिला कांग्रेस की मेंबर हैं और मजबूती से वो काम कर सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि इंदिरा जी के साथ जो हुआ, राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ, उसके बाद भी सोनिया जी कितनी बोल्ड है कि वो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गली गली में, कूचा कूचा में, गांव गांव के कोना कोना में खुलेआम पब्लिक से मिलने का काम करने का हौसला रखती है वो। क्यों? क्योंकि देश को आगे लेके जाना है, गरीब लोगों को ऊपर उठाना है, हर एक का जो जिम्मेदारी है उसको उठाना है। और ये जिम्मेदारी राहुल जी ने कहा है कि किसी से नहीं डरना है, जैसे प्रियंका जी काम कर रही है, जैसे सोनिया जी काम कर रही है, जैसे राहुल जी काम कर रही है, कि किसी से नहीं डरना है, महिलाओं को बाहर निकालना है। राजीव जी ने मौका दिया 33% का, महिलाएं आई पोस्ट में बैठी, प्रधान में, जिला परिषद में, म्यूनिसिपल में, चेयरमैन में, सब जगह बैठ के काम कर रही है। आज महिला कांग्रेस के मेंबरशिप में भी जुड़ जाएंगी, एक अच्छा मजबूत महिला कांग्रेस बन जाएगा और पार्टी मजबूत होगी।